एक लॉयर की वाइफ का एक टीनेजर के साथ अफेयर हो जाता है। लॉयर को ये बात पता चली पर उसका भी अफेयर चल रहा था। मूवी में ट्विस्ट आने के बाद आगे क्या होगा ये हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लॉयर्स वाइफ ये कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर यंग हमें दिखाया जाता है। वो एक्चुअल में एक लॉयर है। एक जगह पर वो क्राइम सीन पर पहुंच गया। इस क्राइम सीन पर बहुत सालों पहले मर्डर कर उनकी बॉडी गाड़ दी थी। यंग के क्लाइंट के फादर की बॉडी भी इसमें थी। क्लाइंट इस सब से बहुत ही डिस्टर्ब हो गया और पुलिस से वो झगड़ा कर देता है। इस झगड़े को सॉल्व करते हुए यंग इस गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद उसकी वाइफ जिसका नाम है यून, ये हमसे इंट्रोड्यूस होती है। ये बाइक राइड कर रही थी और उसके पीछे एक टीनेजर उसका पीछा कर रहा था। अचानक से वो रास्ते से गिर जाती है। ये टीनेजर ने नोटिस किया और वहां से चला गया। आज उसकी मदर इन लॉ उसके बेटे का ख्याल रख रही थी। जब उन्होंने मदर इन लॉ को घर पर छोड़ा तो उसका बेटा उससे पूछता है, क्या ग्रैंड माँ को पता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ? ग्रैंड माँ को ऑफकोर्स पता था। यून कहती है, तुम्हें कोई भी एम्बेरस्ड होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो और इस बात से प्राउड रहो। इसके बाद रात में यंग यून के जगह पर किसी और लड़की के पास आया। वो फिर घर पर आता है, शॉवर वगैरह लेता है। घर पर हम देखते हैं कि उसके बेटे के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आज रात ये तीनों साथ ही सो गए। यंग यून से कहता है, कल मेरे फादर मेंटल हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं, प्लीज उन्हें पिकअप कर लेना। यून ने कल अपने फादर इन लॉ को पिकअप किया। फादर इन लॉ कहते हैं, घर जाने से पहले क्यों ना हम बियर ले। फादर इन लॉ को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम थे पर फिर भी यून उन्हें अलाउ करती है। इसके बाद यून को हम काम पर देखते हैं। उसका एक स्टूडियो है जहां पर वो लड़कियों को डांसिंग सिखाती है। मूवी के फर्स्ट में हमने जिस टीनेजर को उसका पीछा करते हुए देखा था वही टीनेजर उसके पास आया। वो भी डांसिंग सीखना चाहता था। वहां की असिस्टेंट जब उसे क्वेश्चन करती है तो थोड़ा सा डर गया और यहाँ से चला जाता है। घर पर यून का बेटा उसे कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, इस वजह से सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। यून ने उसे कहा है कि डिलीवरी के वक्त मदर को तकलीफ होती है। उसी तरीके से जब उसका बेटा उसकी लाइफ में आया था तो उसे बहुत खुशी हुई थी। उसका हार्ट अपने बेटे के लिए एक करता है, उसे बहुत प्यार करती है, वो कभी भी उसे अलग नहीं समझती। आज रात यून और यंग इंटीमेट हो गए। यून ने आजकल नोटिस किया है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। वो फिर हॉल में जाकर योगा कर रही थी। जो टीनेजर उसका पीछा कर रहा था वही उसका नेबर भी है। उसे रात में भी दूरबीन से देख रहा था। अगले दिन यून ने नोटिस किया कि वो लड़का और उसके फादर ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते। आज भी उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई थी। उस लड़के को घर से निकलता दे यून भी उसका पीछा करती है। वो डायरेक्टली एक थिएटर में आया जहां पर एडल्ट मूवी चल रही थी। थिएटर में वो अकेला होता इस वजह से मूवी चल नहीं रही थी, पर यून ने भी वही टिकट बाय किया। यंग का जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है उसका नाम है किम। आज यंग फिर से किम के पास आया हुआ था। किम उसे कहती है, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यंग कहता है, तुम कन्फर्म करने के लिए टेस्ट वगैरह करवा लो। जब वो यहाँ था तो किम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। किम ने उस आदमी से कहा था कि मैं घर पर नहीं हूँ, पर फिर भी उसके घर पर पहुंच गया था। यंग पूछता है कि ये है कौन, पर किम इस बात को इग्नोर करती है। यून जिस टीनेजर लड़के के पीछे थी इसका नाम है शिन। शिन और यून ने मूवी देखी और इसके बाद यून उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तुम मेरे सामने ही रहते हो। शिन ने फिर उसे लंच के लिए इनवाइट किया और दोनों एक जगह पर आते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें की। आज यंग को पता चला कि किम एक्चुअल में प्रेग्नेंट है तो इस वजह से वो टेंशन में था। इसी के साथ साथ डॉक्टर का भी फोन आया था। उसके फादर की भी तबीयत बहुत खराब थी, उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है। इन सारी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया और वो बहुत सारा ड्रंक करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम को हॉस्पिटल में लेकर आया था, उसका अबॉर्शन करवा लेता है। इसके बाद यंग यून अपनी मदर और फादर को लेकर डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर उसके फादर को समझाते हैं कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है। फादर इस बात को थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं लेते। चेकअप के बाद तुरंत ये सब स्मोक कर रहे थे। यंग हमेशा घर पर बहुत ही लेट आता है। आज रात बेटा यून से पूछता है कि फादर अब तक घर क्यों नहीं आए, क्या वो झूठ बोल रहे होंगे। यून को इस बात पर बहुत ज्यादा हंसी आई पर फिर भी उसके मन में डाउट था, तो जाकर वो यंग को देख कर आती है। पर फॉर्चुनेटली यंग अपने ऑफिस में ही है। रात में यून अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। वो बता रही थी कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं बहुत ही सेटिस्फाइड रहूंगी। उसे लगता है कि जब वो अनमैरिड थे तो उसकी लाइफ में बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। इसके बाद यंग ने यून से कहा कि कॉन्फ्रेंस के लिए मैं 2-3 दिन बाहर जा रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो किम के साथ हॉलीडे पर जा रहा था। घर की साफ सफाई करते हुए यून ने सब चीजें निकाली, इसमें एक लाइट भी था।
वो पहले बहुत सारी माउंटेन ट्रेकिंग किया करती थी, पर अब उसने डिसाइड किया कि वो शिन के साथ जाएगी। ट्रेकिंग करते वक्त शिन यून से कहता है, थोड़े मंथ्स में मैं हमेशा के लिए अमेरिका चले जाने वाला हूँ, तब तक अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अफेयर कर सकती हो। यून इस पर सिर्फ हंस देती है। ऊपर माउंटेन पर चढ़कर ये आराम कर रहे थे, तभी शिन ने यून को किस कर लिया। इसी के साथ इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। यंग किम के साथ एंजॉय कर रहा था, पर अचानक से उसके फादर की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो जल्दी से घर पर वापस आ रहा था, पर किम उसके साथ गाड़ी में ही इंटीमेट होने लगती है। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं एक डिलीवरी मैन अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया। अब रात हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। यंग ने उस आदमी को टकरा दिया, उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। वो जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल में छोड़ दिया। किम को घर छोड़ने के बाद वो अपने फादर के पास हॉस्पिटल में आया। उसके फादर खून की उल्टियां कर रहे थे। इस सब बातों से वो डिस्टर्ब हो गया था। यून उसके पास आकर उसे सहारा देती है। सारी चीजों को उसने आज बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। कुछ ही दिनों में यंग के फादर की डेथ हो गई। वो अपने फादर का सब सामान वगैरह देख रहा था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उसकी मदर ने कहा, ये लाइफ में फर्स्ट बार मैं सही तरीके से फ्री हूँ। फादर तो ऑलरेडी मेंटल हॉस्पिटल में थे, तो मदर ने उनके लिए वेट नहीं किया था। उसको ऑलरेडी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो उसके साथ खुश है और उसी के साथ रहना चाहती है। जब यंग और यून एक साथ अकेले थे, तो यंग उसे कहता है, तुमने सब कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से हैंडल किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसके लिए बहुत थैंकफुल था। वो यून से प्यार तो करता है, पर अपनी चीटिंग की आदत छोड़ नहीं पाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यून और शिन ये दोनों फिर से मूवी देखने के लिए आए हुए थे। यही बार ये इंटीमेट हो जाते हैं। प्रीवियसली यंग ने जिस डिलीवरी मैन को हिट किया था, वो उसके पास रिक्वेस्ट करने के लिए आया। कहता है, प्लीज कोई भी चार्जेस प्रेस मत करना। उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी। यंग ने उसे हाँ कहा, पर वो इसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में शिन और यून, ये यून के स्टूडियो में दोनों अकेले थे। यून उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी, तभी शिन के फादर ने इन दोनों को पकड़ लिया। शिन के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, वो यून को कन्फ्रंट कर रहे थे। तभी शिन ने जाकर अपना हाथ कांच से टकरा दिया, उसे खून आने लग गया था। तो फादर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। घर पर यून जब अपने बेटे के साथ थे, तो उसका बेटा कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताती कि मैं अडोप्टेड हूँ तभी सही होता। यून ने कहा कि तुमसे कुछ भी छुपाना गलत होता और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग की मदर अपने न्यू पार्टनर के साथ इस कंट्री को छोड़कर जा रही थी। उसे छोड़ने के लिए यंग की पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर आते हैं। हंसी खुशी उसे गुड बाय कहा। शिन के फादर को इनके बारे में पता चलने के बाद भी शिन जाकर यून से मिल आता है। इन दोनों ने अपना अफेयर कंटिन्यू किया था। इन सब बातों से परेशान होकर शिन के फादर डायरेक्टली यंग के पास आए, उसे सब कुछ बात बता देते हैं। एक्चुअल में उन्होंने शिन के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया था, इस वजह से उन्हें पता चला था। सारा एविडेंस उन्होंने दिखाया। इस बात से यंग डिस्टर्ब हो गया और शिन के फादर को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। वो रात में घर पर आया, इसके बारे में यून से कुछ भी बात नहीं करता। आज रात भी ये शांति से सो गए। अगले दिन हम देखते हैं कि यंग ने जिस डिलीवरी मैन को हिट किया था, वो उसके घर का रास्ता ढूंढ रहा था। चलते चलते वो यंग के बेटे से ही मिला। वो उसे गाड़ी पर बिठा कर एक सुनसान बिल्डिंग पर लेकर आता है। ये डिलीवरी मैन बहुत ही डिस्टर्ब है। यंग ने उस पर चार्जेस प्रेस किए थे, इस वजह से उसकी जॉब चली गई। डिलीवरी मैन को पता था कि यंग और किम गाड़ी में एक साथ क्या कर रहे थे। ये उसकी अकेले की गलती नहीं थी, पर फिर भी उसे ही पनिशमेंट मिल रही थी। डिलीवरी मैन को लगता है कि जॉब चले जाने के बाद उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और यंग को ही दोषी मानता है। उसी का बदला लेने के लिए उसने उसके बेटे को डायरेक्टली बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। ये डिलीवरी मैन भी पहले नेशनल प्लेयर हुआ करता था। वो वंडर करता है कि उसकी लाइफ यहाँ कैसे पहुंची और उसने भी सुसाइड कर लिए। अपने बेटे की डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यून और यंग को बुलाया गया। ये देखकर ये दोनों बहुत रोते हैं। थोड़ा टाइम बीत गया, ये दोनों घर पर आते थे और बहुत रोते थे। यंग को पता था कि यून उस पर चीट कर रही है और इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा था। उसने फिर किम को यून के सामने ही कॉल लगाया। यून ये सब सुन रही थी। उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यून कहती कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। यंग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। कहता है, तुम एक टीनेजर के साथ कैसे अफेयर कर सकते हो। यून भी उस पर गुस्सा होगी, कहती है, तुमने भी तो अफेयर किया था। ये दोनों एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते। इनमें बहुत बड़ी फाइट हुई। फाइट करते करते यंग की वजह से यून के हाथ पर चोट आ गई। उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यून को उसने घर छोड़ दिया और किम से मिलने के लिए उसके घर पर आया। किम उसे कहती है कि आज रात मैं घर पर नहीं हूँ, पर यंग को उसके बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके घर पर जाकर जबरदस्ती डोर नॉक करता है। आज रात किम किसी और के साथ थी।
इस बात से यंग को बहुत बुरा लगा, उसे ब्रेकअप कर लेता है। यून को भी किसी की जरूरत थी, वो शिन को बुलाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। घर आने के बाद हम उसे आइसक्रीम खाता देख सकते हैं और डायरेक्टली नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि वो हॉस्पिटल में थी, वो प्रेग्नेंट है। वो कभी भी मदर बन नहीं सकती थी, इसी वजह से अपने बेटे को उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो प्रेग्नेंट है, ये एक तरीके का मिरेकल था। अब बहुत दिन बीत चुके थे, यंग और यून ये दोनों अलग अलग रह रहे थे। यंग को जब पता चला कि यून प्रेग्नेंट है तो उसके पास हुआ था, कहता है प्लीज फिर से मेरे पास आ जाओ। यून उसे मना करती है, कहती है ये चाइल्ड तुम्हारा नहीं है। यंग ने कहा कि जब हमने अडॉप्शन किया था तो मैं उसे अपना ही बेटा मानता था, मुझे तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था और अब भी नहीं पड़ेगा। वो फिर से पूछता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। यून इस बार भी उसे मना कर देती है। पहले अफेयर तो यंग ने किया था, उसे इग्नोर करता था, टाइम नहीं देता था, उसकी नीड्स को कंप्लीट नहीं करता था, तो इसी वजह से यून ने उस पर चीट किया। यही चीज वो फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। वो अपनी लाइफ से खुश थी, अपने बेबी के लिए एक्साइटेड थी, तो मूव ऑन करके लाइफ को एम्ब्रेस करना सीख लेती है। इसी तरीके से ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।